हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू लैंटन एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके अंदर जो पहला हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, कैथोड रेज, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि आपको पता है कि नाउ एज ऑफ नाउ आई एम कवरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट टू फ्रॉम द इलेवेंथ क्लास केमिस्ट्री पार्ट वन। तो उसका जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, तो डाल्टन ने क्या कहा था कि जो एटम है वो क्या, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज इंडिविजिबल, इंडेस्ट्रक्टिबल। ओके, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट पार्ट ऑफ मैटर पार्टिकल दैट टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। बट बाद में क्या हुआ कि उनकी थ्योरी प्रूव हो गई, क्योंकि बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सब की खोज हुई एंड ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है, एटम के बेसिक कंस्टिट्यूएंट हैं, मतलब एटम से भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था वो फेल होता है। अब बात आता है कि इनकी खोज कैसे हुई, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे जो ट्यूब था, डिस्चार्ज ट्यूब, वो क्या था, एक ग्लास का ट्यूब था। उस ग्लास के ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड फिक्स किए गए, एक तो कैथोड और दूसरा एनोड, दोनों एंड पे। अब बीच में एक टैपिंग लिया गया, उसमें क्या एक वैक्यूम पंप फिट किया गया। अब वैक्यूम पंप का काम क्या था कि उसमें वैक्यूम का क्रिएट करना, मतलब बहुत लो प्रेशर क्रिएट करना, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है बहुत कम कर देना एकदम। वहाँ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है वो 10^-4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास मेंटेन किया गया। अब क्या था, नॉर्मली एम्बियंट प्रेशर हमारा कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कितना प्रेशर मेंटेन किया गया, 10^-4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो दोनों इलेक्ट्रोड थे आपका कैथोड और एनोड, उसके अक्रॉस हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया। हाई वोल्टेज मतलब कितना, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वोल्ट अप्लाई किया गया। जब वो अप्लाई किया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि उसमें से रेज निकलना स्टार्ट हो गया और वो रेज कैथोड से एनोड की तरफ धीरे 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 मूव करना स्टार्ट किया। ओके, तो उस रेज को जो मूव हुआ उस रेज को क्या बोला गया, कैथोड रेज। ओके, अब इसको पता कैसे चला, मतलब कि ये कैथोड रेज है, तो क्या हुआ, जो एनोड है उसमें होल किया गया छोटा छोटा और उसके बैक पे क्या एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया गया। जब वो रेज एनोड से पास होकर फ्लोरोसेंट मटेरियल पे हिट किया तो वहाँ पे लाइटनिंग हुआ, मतलब एक जैसे चमक होती है ना वैसा चमक बना। तो इससे पता चले कोई चीज़ तो है जो इमिट हो रही है, वो कैथोड से रही है और एनोड की तरफ जा रही है। एनोड में अगर हम पिन होल करते हैं, उसमें होल करते हैं, उसको पास करके जब वो फ्लोरोसेंट मटेरियल को हिट करती है तो क्या है, आपका फ्लोरोसेंट, जो फ्लोरोसेंस होता है वो चमक होती है। तो इससे पता चल गया कि कोई तो रेज है, तो उस रेज का नाम क्या गया, कैथोड रे ट्यूब का नाम, कैथोड रे का नाम दिया गया। अब देखते हैं, जो मैंने आपको बताया ये बेसिकली क्या है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें आप देखो यहाँ वैक्यूम पंप लगाया गया, इस पंप का यूज़ करके 10^-4 एटमॉस्फेयर प्रेशर का मेंटेन किया। ये यहाँ से जितने भी आप गैसेस थे उसको निकाल निकाल के एकदम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल गैस का प्रेशर यहाँ पे कर दिया। ये कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया, इसमें जो गैस है वेरी लो प्रेशर है। अब यहाँ पे 10,000 वोल्ट हाई वोल्टेज के क्रॉस लगाया गया। जब ये लगाया गया, यहाँ पे वोल्ट करंट लगाया गया, तो यहाँ देखा गया इसमें से कैथोड रेज में से जो कैथोड है उसमें से कुछ रेज निकल रहे हैं और वो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जो रेज निकल रही है इसको क्या कहा गया, कैथोड रेज कहा गया। ओके, अब उसके कुछ पास्टुलेट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको हम देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ, इन मिड 1850s मेनी साइंटिस्ट मेनली फैराडे बिगन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन ए पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अभी कैथोड रे ट्यूब क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेज ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स सील्ड इन इट। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोड सील्ड इन इट है। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट
वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ इलेक्ट्रॉन एक कैथोड रेज का इमिट हुआ, ये तभी ऑब्जर्व किया गया जब यहाँ पे लो प्रेशर मेंटेन किया और हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया। अब वन सफिशियंटली हाई वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, सम सॉर्ट ऑफ इनविजिबल रेज मूव फ्रॉम निगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दीज रेज कॉल्ड एज कैथोड रेज। तो इन रेज को कैथोड रेज कहा गया। तो इस हिसाब से आपके कैथोड रे का डिस्कवरी हो गया। अब आते हैं अपनों लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। कैथोड रेज में चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया गया। तो चार्ज टू मास रेशियो जो है वो किसने कैलकुलेट किया, जे जे थॉम्सन ने क्या उसकी खोज की। अब उन्होंने क्या किया, जो कैथोड रे आपका जो ट्यूब था, यहाँ पे कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, एनोड में उन्होंने होल किया एक, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लगाया गया हाई, और देखा गया यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लगा गया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा गया। अब देखा गया कि जब ये दोनों प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहते हैं, तो जो रेस कैथोड रे से निकलती है और एनोड की तरफ जाती है तो स्ट्रेट जाती है। जब कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता तो स्ट्रेट लाइन जाती है, बी पेट करती है। बट जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है तो क्या होता है, वो पॉइंट ए पे हिट करती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो पॉइंट ए पे हिट करती है, और केवल अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये स्ट्रेट जाने की बजाय सी पे क्या है हिट करती है, और दोनों जब रहते हैं तो अगेन वो पाथ बी फॉलो कर लेता है। तो ये ऑब्जर्वेशंस जे जे थॉम्सन ने निकाला, जो अपने लोग यहाँ पे देखते हैं। और ये क्या था जो यहाँ पे लगा, ये क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है। तो यहाँ पे जैसे ही हिट करता है वो चमक देता है, तो उसके हिसाब से अपने को पता चल गया उन लोगों को कि ये डेविएशन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ये डेविएशन मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा है, ये वाला जो बी पे डायरेक्ट स्ट्रेट जा रहा है वो जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तब जा रहा है, या दोनों नहीं होते तब भी बी पे हिट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाय जे जे थॉम्सन बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब तीन केस लिया जो मैंने आपको बता दिया पहले, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड, तो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट ए, डेविएट हुआ और ए पे हिट किया। When only magnetic field is applied, electrons deviate from its path and hit the cathode ray at point C. तो ये cathode ray at point C पे हिट किया। अब when both electric and magnetic fields are applied, in this case by balancing the electrical and magnetic field strength, it is possible to bring back the electrons to the path which is followed in the absence of electric and magnetic field and hit the screen at point B. मतलब वही जो मैंने आपको पहले बताया कि जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को उसके ओरिजिनल पाथ पे लेके आ जाता है, जब दोनों प्रेजेंट नहीं होते वो बी पे हिट करता है। अब कैथोड रेज हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो कैथोड रेज से ये कंक्लूजन निकाला गया, उसकी प्रॉपर्टी को बताया गया। तो ये सारे उसकी प्रॉपर्टीज हैं। सो पहला जो इसका प्रॉपर्टी को क्या, कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। कैथोड रे कैथोड से स्टार्ट होता है और एनोड की तरफ मूव होता है। देन दीज रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स कॉल्ड फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेंट मटेरियल। मतलब उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हो, किससे, फ्लोरोसेंस मटेरियल हो या फिर फ्लोरोसेंट मटेरियल हो, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम टेलीविजन, से टेलीविजन पिक्चर हो गया। तो टेलीविजन पिक्चर्स टेक्स ट्यूब्स, टेलीविजन पिक्चर्स ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर्स रिजल्ट्स ड्यू टू फ्लोरोसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। मतलब जो आप हम लोग पिक्चर देखते हैं, मूवी जो हम लोग देखते हैं, तो उसमें जो प्रोजेक्शन लाइट फ्लोरोसेंट आता है वो क्या होता है, बेसिकली कैथोड रे ट्यूब होता है। कैथोड रे ट्यूब के थ्रू वो मूव होता है, कैथोड रेज आते हैं और जो स्क्रीन होता है उस पर फ्लोरोसेंट मटेरियल अप्लाई होता है, जैसे वो हिट करते हैं जो जो कलर उसके हिसाब से एक पिक्चर बनता है। तो इस हिसाब से हम लोग टेलीविजन देखते हैं। अब बात करते हैं, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं रहता है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल
और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स करेक्ट. सो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, वो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता. एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब. सो इस हिसाब से ये कंक्लूड किया गया कि जो कैथोड रे है, वी कैन दस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स. तो ये कंक्लूड किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम है. तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई. अब देखते हैं अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन. जो अमाउंट ऑफ डेविएशन वो किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन का इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में, वो है सबसे पहले द मैग्नीट्यूड ऑफ द निगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल. सो ग्रेटर इज द इंट्रैक्शन विथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड दस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन. जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड निगेटिव चार्ज का होगा इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से उसका इंट्रैक्शन होगा और उतना ज़्यादा उसका डिफ्लेक्शन होगा. अब दूसरा पॉइंट द मास ऑफ द पार्टिकल. सो लाइटर द पार्टिकल, पार्टिकल जितना लाइटर होगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा. तीसरा द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स पाथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड करेक्ट. अब आता है बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन थॉम्सन डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ ई बाई एम ई इलेक्ट्रॉन टू चार्ज टू मास रेशियो. थॉम्सन ने क्या कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंट करके, तो वो जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, ई बाई एम ई इज इक्वल टू 1.758820 इंटू 10^11 कूलाम पर केजी. तो एम ई क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी और ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन कूलाम. अब आता है कि कैथोड रेज में चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ई बाई एम ई रेशियो मैंने निकाल दिया, चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया. अब हमें निकालना है चार्ज टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज आता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ई बाई एम ई हमने निकाल लिया. अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकालना कितना आता है, तो जो आर मिलिकैन थे उन्होंने क्या है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन बताया था बाय द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड. तो ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड मैं आपको बाद में बता दूंगा अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. एंड इट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम. प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस −1.602176 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, ये प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू है. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से हम कैलकुलेट करें, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो. तो ये दोनों को हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय ई बाई एम ई से हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इससे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एम ई इक्वल टू 9.1094 × 10⁻³¹ के जी. तो ये मास ऑफ क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमारा ये आ गया. ये कैसे क्यों, आर ए मिलिकैन ने खोज की थी किससे, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से. सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल. नाउ इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव रेज दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा. सो गाइस थैंक यू सो मच. और आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स में, जूनियर्स को, ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके. और एज अ हेल्प यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.